अकल और उसका दिमाग बंद कर देता है। और चोरी करते वक्त ऐसी ऐसी उन्होंने हरकतें की हैं, अब मसलन ये पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ किया है। मेरे वाले हल्के में भी अगर आप देखेंगे, आपका कैमरा तो नहीं दिखा सकेगा, ये 168 को 468 किया है। जब ये 468 कर दिया तो इसके दो खाने होते हैं, अगले खाने में उसको 168 ही रहने दिया। ये आप देख लें, दोनों को इकट्ठे मैं अगर कर दूं तो ये 468 है जिसको 168 को 468 किया, और उसके बाद इसी को ही अगले खाने में वो 168 ही रहने दिया। ये एक नहीं, कई जगहों पे ये किया, ये मेरे हल्के की बात कर रहा हूँ। इसी तरह नवाज शरीफ का, हलीम आदिल शेख का, बाकी लोगों का कई हल्कों में ये किया, कई जगह पे। अब मसलन मैंने टोटल मेरे हैं 387 पोलिंग स्टेशंस जिसमें उन्होंने टेम्परिंग की है और कटिंग की है, फोर्जरी की है, जो जुर्म किया है जिसके खिलाफ हम प्रोसीड करेंगे कानून के मुताबिक, उनके खिलाफ FIRें भी कटाएंगे, ये जेलों में भी जाएंगे, ये नौकरी से भी जाएंगे, रिटर्निंग अफसर हूँ या हमारे जो अपोनेंट कैंडिडेट हूँ। अब उन 183 में कुछ, अब जैसे मैं आपको चंद एक बता देता हूँ कि जिस तरह इन्होंने किया है। मसलन पहला पोलिंग स्टेशन है, उसके अंदर एक्चुअल रिजल्ट फॉर्म 45 जो कि हम सब के पास हैं, मेरे वोट थे 230, मेरे अपोनेंट के थे तारिक फजल के 149। अब मैं 81 की लीड से जीतता हूँ, उसको टेम्पर किया, मेरे रहने दिए 230 और उसको कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया, पहला वाला। अब आ जाते हैं दूसरे वाला पोलिंग स्टेशन। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मेरे वोट थे 170, मेरे अपोनेंट के थे 97, डिफरेंस में लीड थी मेरी 73। अब उसको चेंज क्या किया, कटिंग की, टेम्परिंग की, मेरे वोट कर दिए 78, मेरे अपोनेंट के कर दिए 297, यानी 97 से आगे दो लगा दिया और उसको जिता दिया 219 से। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 3, मैं 3-4 से आपको बताता हूँ। 254 मेरे वोट थे पोलिंग फॉर्म 45 ओरिजिनल के मुताबिक, 152 मेरे अपोनेंट के थे, मेरी लीड थी यहाँ 102 वोट से। अब इसको चेंज कर दिया, 254 को 152 कर दिया मेरे वोट, और मेरा जो वोट था यानी इसको रिवर्स कर दिया, टोटल टोटल रिवर्स कर दिया, जो मेरा वोट था उसको डाल दिया, जो उसका वोट था मेरे खाते में डाल दिया टेम्परिंग करके। लिहाजा जो मैं 102 वोट से जीता हुआ था, 102 वोट से मुझे हरा दिया। इसी तरह आप अगर देखेंगे पोलिंग स्टेशन नंबर 5, 220 वोट थे मेरे, 128 थे अपोनेंट के, 92 वोट से मैं जीत रहा था, और यहां किया 120 मेरे कर दिए 220 को, यानी दो को एक कर दिया, और जो मेरे अपोनेंट के थे 128 उसको 358 कर दिया, और यहां मुझे 238 से हरा दिया, और कई जगहों पे उन्होंने फिर उलट कर दिए उसी तरह, जो मेरा वोट था उनके खाते में, उनका वोट था मेरे खाते में। ये तो चंद एक चीजें हैं। अब इसमें एक और इनकी बेईमानी पकड़ी गई, एक और, वो मैं आपको दिखा दूं, बता भी दूं। अब आप देखेंगे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां इन्होंने मसलन 1100, मैं आपको बताता हूं, 1139 पोलिंग स्टेशन है, 252, 1139 यानी 1139 टोटल वोट है। कास्ट कितने होते हैं, बड़ा अजीब सी बात है, कास्ट कराए हैं इन्होंने जो जिसमें टेम्परिंग की है 1138, सिर्फ एक बंदा था जिसने वोट पोल नहीं किया, एक रिजेक्ट किया, और 1137 वैलिड वोट डिक्लेयर किए। ये रिजल्ट बनता है 99.9%, यानी सिर्फ एक वोट था, एक शख्स था जिसने वोट पोल नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया। दूसरा है पोलिंग स्टेशन नंबर 384, यहां वोटर टोटल थे 1732, इन्होंने पोल करा दिए हैं उसमें 1715, 99%। दूसरा पोलिंग स्टेशन और है तीसरा 128 पोलिंग स्टेशन, यहां टोटल वोट थे 1162,
इन्होंने 1149 वोट पोल कर दिए 98.9%। इसी तरह आप आते जाएं 99% 98% 96%। मैं आपको सिर्फ परसेंटेज बता दूं, आप उन्नीस पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 90% प्लस उनके टर्न आउट दे दिया, और 39 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 80% से ज्यादा दे दिया, और 82 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 70% से ओवर एंड अबव दे दिया। जब बेईमानी करने लगते हैं तो वो इनके आंख और कान बंद हो जाते हैं, और जो टेम्परिंग, जो फ्रॉड और फोर्जरी की है वो सबके सामने है और सारी दुनिया उसको देख सकती है। हम इसके बारे में अब इमीडिएटली इंशाल्लाह एक वाइट पेपर जारी करने लगे हैं, और उसमें मैं अपने हलके को सबसे पहले सारा पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूंगा। और एक बात मद्देनजर रहे कि मेरे फॉर्म 45 वही हैं जो मुस्तफ़ा खोकर के पास हैं, जो मानता है कि मेरा रिजल्ट दुरुस्त है। वो कहता है मैं हारा हूं मगर मैं उससे नहीं आ रहा, वो फजूल चौधरी से मैं नहीं आ रहा, नाजायज से नहीं आ रहा मैं, वो कहते हैं कि मैं पीटीआई से आ रहा हूं। इसी तरह टीएलपी का रिजल्ट है, इसी तरह जमात इस्लामी का रिजल्ट है। तो बात यह है कि आप जिसने फोर्जरी की है वो रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग अफसर उसका अमला, और ये तारिक फजल चौधरी टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड पे, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इन्होंने आर्डर पास किया था, ये आर्डर था 11 तारीख का, मगर ये अलग बात है कि इनके लबो लहजे और इनके कंडक्ट पे अभी मैं बात नहीं करूं तो बेहतर है। कुछ झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो लिहाजा हम FIR भी कटाएंगे, पर्चा भी कराएंगे, रिटर्निंग अफसर को नौकरी से भी फारिग कराएंगे। और ये जो जुल्म, देखें एक ये नहीं होता कि एक एक वोट होता है, सिंपल वोट के अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, हर शख्स के एक जज्बात होते हैं, कौम की उसके अंदर एक एतमाद होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आप वोट चोरी करते हैं तो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, लोगों की तवक्कुआत से खेलते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से खेलते हैं। तो लिहाजा लोगों को एक जो जहनी कोफ देते हैं, जो एतमाद उठता है उनका, जो एतमाद उनका बर्बाद होता है, ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सीधी सीधी डकैती है। तो डाकू जो फजूल चौधरी फिरते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई सिंपल बात है कि आपने अल्लाह को जान देनी है, ये इक्तदार आर्जी है आपके पास, आपकी अगली नस्लों तक को ये ताना दिया जाएगा कि आप तो वो हो ना जिसने डाका जनी के जरिए, डाकू बन के तो आपने लोगों के वोट के ऊपर चोरी किया था। इक्तदार आर्जी होते हैं, खत्म हो जाया करते हैं, लेकिन किरदार हमेशा जिंदा रहता है। लोग आते हैं चले जाते हैं, और उसके साथ अगली नस्लों तक या तो आप अच्छा किरदार छोड़ के जाते हो या बुरा किरदार आप छोड़ के जाते हो, फैसला आपके अपने हाथ में है। आज जो कुछ हो रहा है, यंग यूथ जिसने ये अवामी इनकलाब बरपा किया है, उसके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूं कि ऐसा ना किया जाए, ये आज भी वक्त है इस मुल्क की तकदीर को बदलें, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें, और इस मुल्क को ये, बल्कि परसों जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बात अच्छी की गई, जो कहा गया कि हीलिंग की जरूरत है। भाई हीलिंग कैसे होगी? आपने पंजाब गवर्नमेंट की उस डाकू रानी ने हमारे रहीम यार खान के बच्चे को एक एहतजाज के दरमियान पुलिस ने उठाया और तशद्दुद करके मार दिया, मर्डर कर दिया। दूसरे बच्चे अहमद शाह को, हमारे वर्कर को, उसको उठाया, उसको बेहोशी की हालत में मरते हुए अल्लाह ने जिंदगी रखी, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, अल्लाह ने उसको रिकवर कर दिया। तो जिले शाह के साथ भी इन्होंने यही किया था, पर्चे ऊपर हमारे खिलाफ कर दिए। तो क्या ये हीलिंग हो रही है? ये हीलिंग नहीं हो रही। अगर आपने हीलिंग करनी है, सबसे पहले तो वो जो हीरो है इस दुनिया का, मिल्लत इस्लामिया का इमरान खान, उसको निकालो। अगर आप चाहते हैं यहाँ सियासी इस्तेहकाम आए, आप चाहते हैं मुल्क के लोगों के मसाइल हल हों, फिर एक बात आपको IMF के हवाले से भी वाजे कर दूं। आप देखें जो ऊपर का अशराफिया है, जिसको ये अशराफिया कहते हैं, मैं उसको बदमाशिया कहता हूं, वो बदमाशिया $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत खा रहा है। ये जो गाड़ियां, ये पेट्रोल, यहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है ना, यहां से आप गुजरे
तो आपको आगे पीछे एक दो टके का आदमी बैठा होगा और उसके पीछे 50 गाड़ियां होंगी और वो 50 गाड़ियों का खर्चा, उसका पेट्रोल, उसका डीजल, उसका खर्चा, उसका ड्राइवर, उसके मुलाजमीन, वो आप और मैं देते हैं। और उसका अंजाम ये है कि ये आप IMF से कर्जा फिर लेंगे और वो कर्जा ऊपर वालों ने फिर खा जाना है क्योंकि उनको जरूरत है, और वो खा के उसका अदायगी मैंने और आपने करनी है। इस चक्कर में 70 रुपये बिजली के यूनिट को पहुंचा दिया 12 रुपए से, और जो 500 गैस का बिल आता था आज वो 50,000 पता नहीं लाख रुपए पे चला गया। और उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन्होंने दोबारा 70 रुपए बिजली के यूनिट को 170 रुपए पहुंचाना है। इन्होंने मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना है। इन्होंने ये करना है कि सियासी अदम इस्तेकाम जहां होगा वहां कहीं कभी माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और इनके ऊपर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, इनको तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही कोई नहीं मानता। तो जब इन पर ट्रस्ट कोई नहीं करता, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने आना है, ना ओवरसीज ने आना है, और ना ही यहां रोजगार के जराए बनेंगे, तो मुल्क चलेगा कैसे? ये जालिम लोग, इनको एहसास नहीं है ये मुल्क की मईशत के साथ ही खेल रहे, ये मुल्क के 25 करोड़ अवाम और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, और उसके साथ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं, और इस मुल्क की इकाइयों को कमजोर कर रहे हैं, मुल्क की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आज भी वक्त है कि वाहिद उम्मीद अदलिया है। अदलिया को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज ना करें, वो इन बदमाशिया को और इन डाकुओं को कम से कम इतना रोकें कि ये जो जराइम में मुलव्वस है इनके खिलाफ एक्शन भी लें, और जिसको हक के हुक्मरानी अवाम दे उसको वो एक्सेप्ट करें। थैंक यू। देखें, डाकू आपका पैसा मालो मता लूट जाए जिन्होंने वोट चोरी किया है, डाकू से भी कभी कोई बात करता है? डाकू को कहें, हाँ डाकू भाई आपने मेरा 1 करोड़ रुपया चुराया है, मेहरबानी करो 500, 5,000, 1,000, 1 लाख मुझे वापस कर दो। डाकू के साथ कोई बात नहीं हो सकती। एक ही कंडीशन है, जो डाका फॉर्म 45 की ऑडिट करा लें, जो जीते हुए लोग हैं उनको वापस कर दें, उसके बाद हम हर एक से बात करने को तैयार हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे बताएं कि 2018 के इलेक्शन में कितने लोगों ने फॉर्म 45 लेकर आए थे। ये एक्ट तो 2017 का है ना, 17 के एक्ट के मुताबिक शोशा मचाना, शोर मचाना हर किसी का हक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी जगह इंडिविजुअल लेवल पे खराबी नहीं हुई होगी, हो ही होगी, मगर मुझे बताएं कि कितने फॉर्म 45 लेके लोग घूम रहे थे। भाई हम तो 8 तारीख से फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। नंबर टू, आपके तीनों इदारे जो इलेक्शन को डील करते हैं, पटन को देख लें, फाफन को देख लें, कल पेलडाट की रिपोर्ट को देख लें, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, आप बता दें पूरे रात 11 बजे 12 बजे तक जब ये मौसूफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां से चल के कहीं मखसूस जगह पे चले गए थे, वो आज तक नहीं बताया उन्होंने वो कहां गए थे, रिजल्ट रोक दिया। मुझे बताएं, आपके पूरा मीडिया ने रिजल्ट दिखा दिया, वो आज भी आपके पास स्क्रीन मौजूद है, उस मीडिया के मुताबिक कौन जीत रहा था? 180 सीटें हम जीत रहे थे। आप कोई इंडिपेंडेंट फोरम दे दें जो ये कहे कि जनाब कौन जीता कौन हारा, सारी दुनिया को पता है। नहीं पता तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, बाकी सबको पता है। देखिए, मैं इसकी शदीद मुजम्मत करता हूं, इस वक्त सारा माफिया फेल हो चुका है। अब ये साजिश है इमरान खान के खिलाफ, उसको डराने के भी और उसको कत्ल करने की साजिश भी है इमरान खान को। ये हमें एप्रीहेंशन है कि मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द सारी जगह को छोड़ छाड़ के अडियाला जेल पहुंचते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप पता चलता है और आप कहते हो हमने बंदे पकड़ लिए हैं, और मकसद क्या था इससे? आपने एक हफ्ता पहले भी वहां एक बंदे को जेल के अंदर मर्डर करा दिया। ये सारी साजिशी ताने बाने बुने जा रहे हैं, या इमरान खान को डराया जाए या उनको कत्ल का मंसूबा बनाया जाए, रास्ते से हटाया जाए।
ये सारे ड्रामे हैं, और वो किरदार जो इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उससे ऊपर पहले भी 3 दफ़ा अटैक हो चुके हैं। एक दफ़ा गोली की सूरत में, एक दफ़ा यहाँ अटैक हुआ था, एक दफ़ा आपको पता है हेलीकॉप्टर के जरिए भी उसमें कोशिश की गई थी। तो ये सारे ड्रामे इसलिए हैं कि इमरान खान का मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। फॉर दैट पर्पज़ ये माफिया उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि उनको डरा धमका के या उनको कत्ल कराएं या ऐसी कोई साजिश बुने, और इसके पीछे कोई भी किसी किस्म की भी साजिश हो सकती है जिसकी हम शदीद मुज़म्मत करते हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पे भी होगी, हमारे मुल्क के इस वक्त मुख्तदर तमाम जो हुकूमतें बैठी हुई हैं उन सब पे होगी।